सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में, इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पूरा पढ़ लिया था। सभी के पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है यूज, सभी के बारे में हमने देख लिया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनमें किस तरीके से कौन कौन से रूल होते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, हैज हैव का यूज कहाँ, इन सभी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे, किसी भी वाक्य को देख करके किसकी पहचान क्या। तो देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसमें देखिए, इस टेंस से यह पता चलता है कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है। इस टेंस की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ये आता है। यानी कि काम, कोई भी काम जो तुरंत अभी खत्म हुआ है उसको हम प्रेजेंट में ही मानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसके लिए प्रयोग होता है। तो इसके वाक्यों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, लेकिन सबसे पहले इसका रूल हम देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज है, यानी कि अगर ही सी इट होगा, सिंगुलर नाउन होगा, जैसे कि राम श्याम सीता, तो इस तरीके से वहां पर उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। अगर यू होगा, इसके अलावा आई, आई, वी, यू, दे, ये सब यानी कि बहुवचन के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी क्रिया का, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी यहाँ पर, एग्जाम में यही चेक करने के लिए देता है कि इस सेंटेंस को दे देगा उसके बाद ऑप्शन भरने को दे देगा। जैसे कि यहाँ पर श्याम ने एक गाना गाया है, तो श्याम है संग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इतना छोड़ देगा। तो ये आपको यहाँ पर सिंग सैंग संग, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गाने का जो थर्ड फॉर्म होगा सिंग का, वो संग हो जाएगा। तो इस तरीके से श्याम है संग ए सॉन्ग, श्याम क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज का प्रयोग हुआ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो श्याम है संग ए सॉन्ग, ये कंप्लीट हो गया, श्याम ने गाना गाया। इसके बाद देखिए दूसरा, मैंने आज एक चोर पकड़ा है, यानी कि आज ही उस काम को किया है। तो देखिए, आई हैव कॉट अ थीफ टुडे, आई के साथ हैव का प्रयोग हुआ और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पर आप देखिए अ थीफ टुडे। उसके बाद देखिए, तुम नया कंप्यूटर खरीद चुके हो, तुम नया कंप्यूटर खरीद चुके हो, तो यहाँ पर पूछा जा रहा। तो देखिए, यू हैव बॉट अ न्यू कंप्यूटर। इसके बाद देखिए चौथा है, वह ईमेल कर चुकी है। दोस्तों यहाँ पर पूर्ण विराम होगा, सही कर लीजिएगा, वह ईमेल पूर्ण, वह ईमेल कर चुकी है, यानी कि सी हैज रिटन एन ईमेल, यानी कि वह ईमेल करने का काम अभी जल्दी ही खत्म कर चुकी है। तो जल्दी ही हुआ है, तो इसीलिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सी यानी कि वह है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हैज का प्रयोग। फिर यहाँ पर आप देखिए, रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म, उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सब में जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हैज हैव के बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे श्याम ने गाना नहीं गाया है, श्याम ने गाना नहीं गाया है, तो श्याम हैज नॉट संग ए सॉन्ग, श्याम हैज नॉट संग ए सॉन्ग। फिर है, मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ, तो आई हैव नॉट लर्नड माई लेसन, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड यूज हुआ है, आई हैव नॉट लर्नड माई लेसन। तो हैव के बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा है, मेरा दोस्त फ्रांस नहीं गया है, माई फ्रेंड हैज नॉट गॉन टू फ्रांस, यहाँ पर एफ कैपिटल कर लीजिएगा, देश का नाम है। तो देखिए, माई फ्रेंड हैज नॉट गॉन टू फ्रांस, तो यहाँ पर देखिए गो वेंट गॉन, यानी कि गो का थर्ड फॉर्म गॉन यूज हुआ है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप देखिए, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगा, हैज हैव, फिर सब्जेक्ट,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखिए, क्या उसने पत्र लिखा, क्या उसने पत्र लिखा है, तो हो जाएगा हैज ही रिटन द लेटर। फिर है क्या तुमने नई कार खरीद लिया है, तो हैव यू बॉट ए न्यू कार। तो आप देखेंगे यहां पर क्या उसने पत्र लिखा है में हैज ही के पहले हैज आ गया। क्यों हैज आया, क्योंकि यहां पर ही क्या है, सिंगुलर एक व्यक्ति की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर ही के साथ हैज आया है। जबकि यहाँ पर देखिए यू के साथ क्या आया है, यू आई और यू के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है और ये आप लोगों को पता है। तो हैव यू बॉट ए न्यू कार। तो इस तरीके से यहाँ पर अब देखिए ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी कि व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, इन सभी से स्टार्ट होते हैं, तो इनको हम पहले रखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम हैज है, फिर उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आप लिख लीजिए प्लस करके, सब्जेक्ट छूट गया है, सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड वाले जो हैं इनको रखेंगे प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए उसने क्या किया है, तो व्हाट हैज ही डन, तो व्हाट यहाँ पर देखिए आ गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में हैव, फिर सब्जेक्ट ही और फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, डू का डन, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसलिए यूज नहीं किया गया। अब देखिए इसके बाद मोहन ने देश क्यों छोड़ दिया है, तो क्यों का जो इंग्लिश वर्जन होता है वो क्या होता है, इंग्लिश में हम क्यों को क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। तो वाई हैज मोहन लेफ्ट द कंट्री, वाई हैज मोहन सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हैज का प्रयोग हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखिए डब्ल्यू एच वर्ड, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो व्हाई हैज मोहन लेफ्ट द कंट्री। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी के, जितने भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जितने भी आप क्रियाएं देखेंगे सभी में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पाएंगे। हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस में, हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ये आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है। परफेक्ट टेंस मतलब काम हो चुका है, इसीलिए तो परफेक्ट का मतलब क्या हो कि काम हो चुका है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब काम अभी जारी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। तो यह टेंस यह प्रकट करता है कि काम भूतकाल में प्रारंभ होकर अब वर्तमान काल में जारी है, इसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया गया होता है। यानी कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी वो चल रहा है, यानी कि ये हमें नहीं पता वो फ्यूचर में कब खत्म होगा, वो बस चल रहा है। पास्ट में कब से शुरू हुआ है, एक साल से, दो साल से, दो दिन से, चार दिन से, ये हमें पता है लेकिन हमें ये नहीं पता वो खत्म कब होगा। तो कब से शुरू हुआ है और अभी चल रहा है, बस इतना हमें पता होता है इस टेंस में। इस काल के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं और इसमें समय दिया होता है। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें समय दिया होता है और समय में ही आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली ये, फॉर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, सिंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। जब कोई सन दिया होगा 1940, 1920, कोई भी सन, सन 2000, कोई भी सन दिया होगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर टाइम बताया है करेक्ट 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, और इसके अलावा ये बताया है कि मॉर्निंग के टाइम, यानी कि अगर मॉर्निंग लिखा है यानी कि सुबह, आफ्टरनून, इवनिंग, अगर ये लिखा है तो उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जहां पर बिल्कुल पता है टाइम एग्जैक्ट, हमें सुबह, शाम, दोपहर ये दिया है, इसके अलावा टाइम दिया है, इसके अलावा सन दिया है, तो इसका मतलब कंफर्म न्यूज है, तो इसीलिए यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर का प्रयोग हम 1 घंटे, 2 घंटे के लिए करेंगे। एक चीज और दोस्तों ये आपको याद रखना है, इसलिए याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यही सिंस और फॉर ही चेक करता है, तो इसीलिए आप फॉर याद रखिएगा। फॉर 1 साल, 2 साल, अगर इस तरीके से कई चीजें दी होंगी तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। 1 घंटा, 2 घंटा दिया होगा तो वहां पर भी हम फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी घंटे की बात होगी, साल की बात होगी, तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और जहां पर सुबह, दोपहर, शाम या इस तरीके से टाइम दिया है 3 बजे, 4 बजे या सन दिया है, तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अभी आप एग्जाम्पल देख करके और क्लियर कर लेंगे। और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए एकवचन कर्ता के साथ हैज बीन,
और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है और बहुवचन होगा तो हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। आपने परफेक्ट टेंस में हैज और हैव देखा है, अब यहाँ पर आप उसके साथ बीन भी देखोगे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम रूल देख लेते हैं, सब्जेक्ट हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीरा 2 घंटे से गेंद से खेल रही है, तो मीरा हैज बीन प्लेइंग विद द बॉल फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो मैंने भी आपको बताया घंटे की बात होगी या साल की बात होगी, 1 साल 2 साल 3 साल, वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, मीरा हैज बीन प्लेइंग विथ बॉल फॉर 2 आवर्स। इसके बाद यहाँ पर दूसरा है, वह 1980 से इस मकान में रह रही है। तो यहाँ पर करेक्ट सन बता दिया, तो किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। सी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए सिंस और फॉर में सिंस का प्रयोग और ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये भी देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं, हैज और हैव के पहले, यानी कि हैज हैव बीन के बीच में, बीन और हैज हैव के बीच में नॉट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बस हैव नॉट बीन, हैव और बीन के बीच में क्या लग गया है, नॉट लग गया है। तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, आपको पता ही है। फिर देखिए है, वह 1980 से इस मकान में नहीं रह रही है, तो सी हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। बस हैज के और बीन के बीच में नॉट लग गया है। फिर है, वे दोपहर से फिल्म नहीं देख रहे हैं। अब मैंने कहा था जहां पर सुबह आएगा, दोपहर आएगा या इवनिंग आएगा, शाम, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, दे हैव नॉट बीन वॉचिंग मूवी सिंस आफ्टरनून। तो यहाँ पर आफ्टरनून के पहले सिंस का प्रयोग हुआ, बाकी वही सब चीजें हैव और बीन के बीच में नॉट। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नया नहीं है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होता है, वो आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सिंस और फिर टाइम। तो यहाँ पर आप देखिए, क्या राजन इस मकान में 1980 से रह रहा है, क्या राजन इस मकान में 1980 से रह रहा है। तो हैज पहले आ जाएगा, राजन बीन, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। तो हैज राजन बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। इसके बाद देखिए, क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से अध्ययन कर रहे हो, तो हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 6 मंथ। अब यहाँ पर 6 महीने की बात की गई है, तो 6 महीने, 1 साल 2 साल, इसके लिए हम फॉर का ही प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए, और बाकी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर, इस तरीके से। इसके बाद देखिए, क्या सीता 5 बजे से खाना नहीं बना रही है, तो यहाँ पर आप देखिए सीता के साथ हैज ही आएगा क्योंकि सिंगुलर नाउन है, फिर सीता, फिर उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर कुकिंग फूड सिंस 5 o'clock। तो यहाँ पर 5 बजे की बात की गई है, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 9 बजे, जब टाइम की बात आएगी करेक्ट, तो यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस और फॉर आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा इस तरीके से। अब ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, तो इस तरीके से हम इसमें सबसे पहले हम इनका प्रयोग करेंगे, फिर हैज हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि पहला यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, तुम 30 मिनट से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस 30 मिनट्स, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस 30 मिनट। तो 30 मिनट यहाँ पर करेक्ट टाइम 30 मिनट बताया गया ना, तो इसीलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल है इसी तरीके से, तुम उससे क्या उम्मीद कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम, व्हाट हैव यू बीन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम। फिर है, वह कब से बगीचे में काम कर रही है,
कब से बगीचे में काम कर रही है? तो हाउ लॉन्ग हैज सी बीन वर्किंग इन द गार्डन? हाउ लॉन्ग हैज सी बीन वर्किंग इन द गार्डन? तो इस तरीके से यहां पर आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन देख लिए, इतने सारे ट्रांसलेशन देख लिए, इतने सारे आप लोगों ने एग्जाम्पल देख लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो दोस्तों यहां पर आज आपका प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट होता है और प्रेजेंट टेंस के बाद हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस भी पढ़ लेंगे और इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पहले पूछे गए हैं उनको मैं करा दूंगी और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस तरीके के क्वेश्चन वो भी मैं करा दूंगी ताकि आप लोग का टेंस जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो जाए और फिर उसके बाद अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो आपका प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद बचा है पास्ट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस, इनको भी मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगी और आप लोग का पूरा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश का भी। और आपको पता है कि मैथ और इंग्लिश को छोड़ करके इंग्लिश की भी क्लास आपको मिल रही है, मैथ की भी क्लास मिल रही है, बाकी के 6 सब्जेक्ट इसमें हिंदी, सामाजिक अध्ययन और शांति शिक्षा टारगेट टीचर जॉब पर प्रियंका मैम ने पढ़ाया है और बाकी सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर साइंस और ये इंग्लिश वो मैं पढ़ा रही हूँ। और आपको 8 के 8 विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आपको सभी के नोट्स हैंड रिटन मिल जाएंगे। हर एक वीडियो को आप देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और अगर आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आना है सभी के आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं 8 के 8 विषयों के, और पीडीएफ आपको हमारे ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप में मिलेगी और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके मिल जाएगी। ऐप में जा करके आप बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, आपको पूरी पवन सीरीज, पूरी राजन सीरीज की पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको सीरीज भी मिलेगी, आपको सभी विषयों की वीडियोस भी मिलेंगी, सभी विषयों के पीडीएफ भी मिलेंगे और इसके अलावा आपको सभी विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट भी देने को मिलेंगे ऐप में। तो आप लोग ऐप में जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखी है और आप लोग वहां से बहुत सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे, सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और जहाँ कहीं कोई भी समस्या होगी हमसे बताते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ इस इंग्लिश के वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करेंगे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे जितने भी वीडियोस हैं सभी को देखते रहें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे, जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।